हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे इस टाइम यानी कि 12 दिसंबर के आसपास कौन सी तीन ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हम लोग को इस क्रिसेंथमम यानी कि गुलदाउदी के संग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है इस समय प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है, ग्रोथ होना शुरू भी हो गई होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि अगर आपके प्लांट में इस तरीके की कलियां निकल आई हैं और फूल निकल आए हैं तो आपने जो है पिंचिंग करना तो बंद कर दिया होगा, लेकिन अगर फूल और कलियाँ नहीं निकली होंगी तो हो सकता है प्लांट को घना बनाने के लिए आप जो है अभी भी पिंचिंग कर रहे हो। अगर पिंचिंग कर रहे हो तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत करिएगा, उसको रोक दीजिएगा, क्योंकि अब जो मौसम है बिल्कुल अनुकूल है जो क्रिसेंथमम है इसको कलियां बनाने के लिए। हो सकता है आपका प्लांट छोटा हो, उसमें आपको कली ना दिख रही हो, लेकिन अंदर से प्लांट जो है कली बना रहा हो। आप उसकी पिंचिंग कर दोगे तो कलियाँ भी हट सकती हैं। पिंचिंग करने के बाद फिर से दो ठो नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांचेस में कलियां आने में, कलियों को बड़ा होने में और फूल खिलाने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हो सकता है फरवरी भी लग जाए। उस समय हो फूल आपके खिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खिलेंगे, खिलेंगे, लेकिन फरवरी के आखिरी हफ्ते तक क्या होता है, हम लोग के इलाके में थोड़ी सी गर्मी आने लगती है, मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, तो क्रिसेंथमम के जो फूल हैं उनकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, वो जल्दी मुरझाने लगते हैं। तो वो हम लोग को इसलिए पिंचिंग बंद करनी होगी। वैसे जो एक्सपर्ट हैं वो तब भी उसको चला ले जाते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं मेनली बिगनर्स की कर रहे हैं, जैसे कि मैं बिगनर हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ मैंने बंद कर दी है अपनी पिंचिंग करना, ताकि प्लांट जो है वो समय से कलियाँ बनाएँ और उसमें फूल भी समय से ही खिलने लगे। टिप नंबर सेकेंड ये है कि आपके प्लांट में अगर इस तरीके की फूल खिल रहे हों और कलियां भी आ रही हों, तो जो फर्टिलाइज़र पहले हम लोग हर 10-12 दिन में डालते थे, अब उसको जो है कम कर दीजिए। अब जो है आप 15 से 20 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट्स में उसका मेन मकसद रहता है, पहले तो रहता है प्लांट को घना बनाना, बुशी बनाना, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि प्लांट जो है उसमें कलियां आ जाएं, फूल बन जाएं। तो अब जो है कल प्लांट बुशी भी हो चुका होगा, कलियां भी आ गई होंगी और फूल भी खिलना शुरू हो रहे होंगे। तो अब प्लांट जो है अगर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे बहुत ज़्यादा, तो प्लांट अपनी नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, प्लांट में बीज बनाने की, फूलों में बीज बनाने की, और उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल फूलों की ख़त्म होने लगती है। तो हमको वो चीज़ रोकनी है, फूलों की लाइफ साइकिल को ख़त्म नहीं करना है, उनके बीज नहीं बनवाने हैं, तो उनकी ग्रोथ को हमें कम करना पड़ेगा। और ग्रोथ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फर्टिलाइज़र उसमें कम दीजिए। तो ये है कि आप अगर 15-20 दिन में डालते रहोगे तो प्लांट को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, वो अपना हल्की हल्की ग्रोथ करता रहेगा, जो थोड़ी बहुत छोटी कलियां हैं उनको बड़ा करने में इन सब में। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है, मतलब उसमें अभी कलियां वगैरह ज़्यादा नहीं आई हैं या छोटी छोटी आ रही हैं, तो आप जो है वैसे ही अपना डालते रहो 10-12 दिन में। ये टिप जो है मेनली उनके लिए है जिनके कि प्लांट में फूल खिलना शुरू हो रहे हैं। टिप नंबर थर्ड ये है कि इस समय अपने जहाँ आपने प्लांट लगाया है उसकी मिट्टी को सूखने मत दीजिए, बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिए, हल्का सा मॉइस्चर बनाए रखिए, हल्की सी नमी बनाए रखें। हम गीला रखने की बात नहीं कर रहे हैं, हर टाइम हर समय प्लांट में हल्की सी नमी बनी रहे, इतनी नमी बनी रहे कि आप जो है उसको अगर हाथ में उठाते हो तो मतलब हल्का सा फील हो, वो चिपके नहीं मिट्टी आपकी, मतलब ज़्यादा अगर चिपकने लगेगी तो वो ज़्यादा गीली मालूम होगी, तो चिपके नहीं, वो निकल जाए हाथ से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा कोशिश करो कि बनाते रहो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फुल सनलाइट में प्लांट को रखना ही रखना है,
फुल सनलाइट में नहीं रखोगे तो इस समय इसकी फ्लावरिंग ब्लूमिंग अच्छे से नहीं होगी और फूल भी अच्छे से नहीं खिलेंगे। तो ये जो है छोटी छोटी सी टिप्स हैं। सपोर्ट वगैरह भी आप लगा सकते हो प्लांट में, हम तो सपोर्ट लगाते हैं तो मेरे सारे सपोर्ट तो निकाल लेते हैं मेरे छुटकू महाराज, तो मेरा तो टिक नहीं पाता है। तो इन सब छोटे छोटे टिप्स का फॉलो करिए, आपका प्लांट जो है हेल्दी भी रहेगा, बुशी भी रहेगा और फूल भी उसमें अच्छे से आते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और देखिए मैंने अपने प्लांट्स पे ये आगे सपोर्ट लगा दिया है ताकि ये जो है महाराज मेरी कलियों तक ना पहुँचे, मैंने आगे जो है उस पर दूसरे प्लांट्स लगा रखे हैं।